तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो वीवो की वी सीरीज इंडिया के अंदर आपको तो पता है कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैमरा और डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा देख के ऑफलाइन मार्केट के अंदर वीवो की वी सीरीज को काफ़ी पसंद करते हैं। वीवो का नेक्स्ट फोन लॉन्च होने वाला है, वीवो की V27 सीरीज हो गई, बहुत ही पॉपुलर निकली। वीवो V29 सीरीज भी बहुत ही ज़्यादा है, और वीवो V27, वीवो V30, काफ़ी सारी कमाल के तगड़े स्मार्टफोन वीवो ने लॉन्च करे। कैमरास और डिज़ाइन को देखते हुए लोग यहाँ पे पसंद करते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह इतना कुछ खास नहीं होती। लेकिन आप वीवो की नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में आपको वीवो की V40 सीरीज देखने मिलेगी, और यहाँ पे वीवो V40 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है यूरोपियन मार्केट के अंदर। यही सेम फोन आपको इंडिया के अंदर देखने मिलेगा, वीवो V40 Pro दो फोन लॉन्च होंगे इंडिया के अंदर, और वीवो V40e भी लॉन्च होगा बाद में। लेकिन इस वीडियो में वीवो V40 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, क्या कुछ होने वाला है खास और किस प्राइसिंग में आएगा सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री होता। तो सबसे पहले डिज़ाइन स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं हमेशा की तरह यहाँ पर आपको काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन देखने मिल जाता है। डुअल लेंसेस होने वाले हैं, और इसके अंदर आपको ओरा लाइट देखने को मिल जाएगी, और जो फोन आपको 7.58 mm की थिकनेस के साथ स्लिम होगा और लाइट वेट भी होगा, 190 ग्राम का वेट होने वाला है। तो डिज़ाइन वगैरह आपको अच्छा मिलने वाला है, थोड़ा सा कर्वी साइड से यानी कि बैक साइड से हल्का कर्व होगा, जिससे आपके हाथ में पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। वैसे डिस्प्ले अगर बात करें तो 6.78 इंच की 1.5K वही एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट और कर्व डिस्प्ले होगी, और इसके अंदर आपको 4500 nits की पीक ब्राइटनेस, भाई इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस पर क्या करेंगे, लेकिन ब्राइट डिस्प्ले होगी, अच्छी डिस्प्ले आपको देखने मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 जो आपको पता है कि OnePlus Nord C4 के अंदर हम देख चुके हैं, अच्छा चिपसेट है। 25,000 rupees के प्राइसिंग में ये फोन लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि Nord C4 25,000 rupees में लॉन्च हुआ था, क्योंकि सेम चिपसेट मिलता था 25,000 के आसपास, देखे तो अच्छा चिपसेट है, लेकिन इसकी प्राइसिंग आपको 35,000 rupees के आसपास देखने मिलेगी। तो 35,000 rupees के आसपास मेरे हिसाब से एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन होगा, लेकिन हो सकता है कि जो फोन आपको इंडिया के अंदर 30,000 rupees मिल जाए। परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से 30,000 rupees के आसपास आपको डिसेंट सी मिलने वाली, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको पता है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 या फिर 7 Plus Gen 3 मिल जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको अच्छी एंड डिसेंट सी मिलने वाली, कैजुअल गेमिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, और एंट्रोड्यूस को लगभग आपको 8-8.5 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है, और 4 nm TSMC के फैब्रिकेशन बना हुआ है, तो बैटरी एफिशिएंसी भी बेटर देखने को मिलती है। वैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी है वो आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X UFS 2.2 स्टोरेज, जो इस प्राइस पॉइंट के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो लोग कैमराज और वीडियोज निकालेंगे, एक प्रीमियम फोन देन के देखने में गुड लुकिंग फोन चाहते हैं, तो उनके लिए परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो ज़्यादातर फोटोज़ वगैरह खींचेंगे तो इतना कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन परफॉर्मेंस डिसेंट होने वाली है। वैसे इसके अंदर आपको 8GB 256 12 256 दो रैम पीरियड देखने को मिलने वाले। वैसे फोन Android 14 के साथ फंटा 24 के साथ में चलेगा, और यहाँ पर जो कैमरास होने वाले 50 MP का मेन सेंसर होगा OIS के साथ, जायस की ब्रांडिंग होगी, यानी कि जायस के काफ़ी सारे आपको कैमरा के अंदर वो मिल जाते हैं फिल्टर वगैरह, और कोटिंग भी आपको देखने मिल जाती है, यानी कि लेंसेज के ऊपर कोटिंग हुई, जिससे आप फोटोज़ वगैरह आपको काफ़ी नेचुरल टोन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, और जायस का एक बटन भी होगा जिससे आप क्लिक करके नेचुरल फोटो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, अच्छी फोटोज़ निकलेंगी, चाहे फ्रेंड हो चाहे यार हो, अच्छे फोटोज़ निकलने वाले। 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस होने वाला है, 50 MP की आपको सेल्फी देखने मिलेगी, और लाइट होने वाली है बैक साइड के अंदर, फ्रंट में नहीं होगी आपको बताएं, लेकिन डिज़ाइन वगैरह यानी कि फोटोज़ वगैरह आप अच्छे यहाँ पे निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो फीचर्स होने वाले, Wi-Fi 6 मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.4 होने वाला, IP68 की रेटिंग होने वाली, 2 SIM आप यहाँ पे लगा सकते हैं, SD कार्ड का कोई फीचर नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको 16 बैंड 5G के देखने मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको 5500 mAh बड़ी बैटरी के साथ 80W की चार्जिंग होने वाली, तो ये कुछ ओवरऑल स्पेक्स होने वाले हैं। वैसे हैं अगर प्राइसिंग अगर बात करें तो इसका जो 8 256 वाला वेरियंट इंडिया के अंदर जहाँ तो हो सकता है कि 30 या फिर 32,000 rupees के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है, देखते हुए उसी प्राइसिंग में देखने मिलेगा जैसे वीवो के V30 सीरीज लॉन्च हुई थी, वीवो V30 32,000 rupees के आसपास लॉन्च हुआ था, ये भी इसी के प्राइसिंग में लॉन्च हो सकता है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूरोप मार्केट के अंदर कोई बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं था, नहीं इसके अंदर भी नहीं मिलेगा। एक और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो बेस वेरिएंट आएगा 8 256, उसके अंदर कोई केस नहीं मिलेगा बॉक्स के अंदर, लेकिन 12 256 वाले वेरिएंट के अंदर आपको केस मिलेगा इन द बॉक्स। तो पता नहीं वीवो क्या कर रहा है, कितना कंजूस होता चला जा रहा है, आप यहाँ पर सैमसंग और एप्पल जैसा स्ट्रेटेजी यहाँ पर वीवो अपना रहा है, धीरे धीरे काफ़ी सारे ब्रांड भी यहाँ पर करने वाले बॉक्स के अंदर चार्जर निकालेंगे, केस निकालेंगे, ठीक है। वीवो ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, तो शाओमी भी यहाँ पर पीछे पड़ने वाला है, तो देखते हुए क्या होता है। वैसे यहाँ पर जो सारी चीज़ें होने वाली वीवो की V40 सीरीज के अंदर, यानी कि वीवो V40 के अंदर, लेकिन आपके दोस्तों वीवो के V40 के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन जरूर से बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, नए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।